गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल राम राम जी। आप सबका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल पे। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे बहुत मज़े में होंगे। और मुझे सब नहीं आ रहा मैं कहाँ से शूट करूँ, क्योंकि आज है रिपब्लिक डे। तो आप सबको गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई हो। बहुत ही पावन अवसर है और बहुत ही मुश्किलों से हम लोग को ये दिन जो है नसीब हुआ है। तो इसको सबको जो है सेलिब्रेट करना चाहिए। आज के दिन हमें जो है जितने भी हमारे आज़ादी के रहे हैं, जिनके वजह से हमें आज़ादी मिली है, उन सबको धन्यवाद कहना चाहिए दिल से, कि अपने बिना जान की परवाह किए हम लोग के लिए लड़े। तो आज गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई मैं देती हूँ। और इसी वजह से बहुत ज़्यादा गाना बज रहा है, तो YouTube पे जो है कॉपीराइट आ सकता है गाना अगर मैं इसमें जो है प्ले कर दूँगी, तो इसीलिए मुझे दिक्कत हो रही है, कुछ नहीं। और जैसे कि मैंने कहा था, कल मेरे पतिदेव मैयर गए थे, वहाँ को उन्होंने काफ़ी सारा वीडियो क्लिप जो है शूट किया है। तो आगे जो है वही वीडियो क्लिप चलेगी। बहुत कुछ शूट किया, मुझे उम्मीद नहीं थी इतना शूट कर लेंगे, लेकिन बहुत अच्छा वीडियो उन्होंने बनाया है। और आप लोग को मैं दिखाती हूँ, शेयर करती हूँ, आप लोग भी देखिएगा। हाँ, मेन मंदिर में जो है वीडियो बनाना या फिर फ़ोटो खींचना अलाउड नहीं है फ्रेंड्स, इसलिए मेन मंदिर में नहीं उन्होंने बनाया, लेकिन जितना भी बनाया बहुत अच्छा बनाया है। तो आगे मैं प्ले करती हूँ, देखिएगा, बारीकी से देखिए, क्योंकि क्वेश्चन भी मैं पूछूंगी लास्ट में वीडियो के। तो चलिए प्ले करते हैं वीडियो। हाँ तो फ्रेंड्स, यहाँ से जो है हमारे पतिदेव जी की यात्रा जो है शुरू होती है। तो ट्रेन जो है चल दी है माता रानी के दर्शन के लिए, और साथ में आपको भी लीवा चलते हैं मैयर माता रानी के दर्शन के लिए। बहुत लोग वहाँ, मेरे सब्सक्राइबर रहते भी होंगे और बहुत लोग वहाँ दर्शन करने जाते भी होंगे। मैं जो हूँ एक ही बार गई थी, जब मैं छोटी थी तो बचपन में गई थी माता रानी के दर्शन करने। मेरी बड़ी मामी के बेटे का मुंडन हुआ था मैयर में, तभी का गई थी, तब से नहीं गई थी मैयर, बहुत दूर है। और बहुत कुछ अब वहाँ बदल गया होगा, पहले तो काफ़ी सीढ़ियाँ वहाँ चढ़नी पड़ती थी, अब तो मेरे पतिदेव बता रहे बहुत कुछ बदल गया था। तो वहाँ पहुँचने के बाद पतिदेव जी जो हैं चल दिए हैं, माता रानी का प्रसाद वगैरह सब हाथ में उन्होंने ले लिया है, चुनरी, फूल, नारियल, लाई और मीठा, तो सब ले लिया है प्रसाद में जो भी रहता है। और जा रहे हैं यहाँ पे टिकट लेने, क्योंकि फ्रेंड्स ट्रॉली से ये लोग जाएंगे, तो ट्रॉली की जो है टिकट लेनी पड़ती है। तो दो लोगों का टिकट ही करवाने जा रहे हैं। और कितना अच्छा मेरे पति देव ने जो वीडियो शूट किया हुआ है। और ये जो है यहाँ से ऐसे जाना पड़ता है, देखिए कितनी लाइन जो है लगी हुई है ट्रॉली की टिकट कराने के लिए। बस यहीं पर जाके जो है टिकट कराएंगे, अभी पूरा वहाँ पर दिखाएंगे भी कि किस तरह से ट्रॉली जो है जाती है, कितनी बड़ी सी जो है मशीन जो है लगी हुई है। तो बस यहाँ पे पतिदेव हमारे लाइन में लगे हुए हैं, और बहुत ही अच्छा उन्होंने वीडियो शूट किया फ्रेंड्स। मैं उनको जो हूँ सैल्यूट करती हूँ कि फर्स्ट टाइम उन्होंने शूट किया, और मुझसे भी बेहतर वीडियो ऐसा लग रहा है उन्होंने शूट किया, एकदम खुल के बनाया है। तो ये देखिए, ये है इतनी बड़ी सी मशीन जिससे कि ट्रॉली जो है जाती है, ट्रांसफ़र होती है, कुछ होगा इसमें सिस्टम ऐसा लगा होगा, इंजन वगैरह, जिससे कि ट्रॉली देखिए जा रही है, एक तरफ से जाती है एक तरफ से आती है, इस तरह से होता है। तो बस इसी की ये दोनों, मतलब ये मेरे पति देव हैं और पीछे जो है अंकल जी हैं, तो उन दोनों को टिकट लेना है, तो खड़े हुए हैं लाइन में। दोनों लोग टिकट लेके फिर निकल पड़ेंगे अपनी मंजिल की तरफ। और बार बार मेरे पति देव ये मशीन दिखा रहे हैं ताकि आप लोग देख लो, इतनी बड़ी सी मशीन रहती है। बहुत लोगों ने तो देखा ही होगा, क्योंकि बहुत लोग जाते रहते हैं घूमने फिरने, पर मैं फ़र्स्ट टाइम देख रही हूँ। ख़ास तौर से वो इसीलिए बनाए कि मैं देखूँ, इसीलिए उन्होंने ऐसे बनाया हुआ है। तो चलिए अब बैठ के फिर मिलेंगे, क्योंकि पतिदेव अब बैठने के बाद ही वीडियो बनाएंगे, मैंने पहले ही देख लिया है फ्रेंड्स। तो ये देखिए, ये मेरे पतिदेव बैठ चुके हैं, और कितना अद्भुत और सुंदर नज़ारा है फ्रेंड्स, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था देख के, मन कर रहा था काश मैं भी जाती, मैं भी वहाँ होती, तो कितना अच्छा लगता, आनंद आता, मज़ा आता। और मेरे पति देव को आप लोग आज बहुत ज़्यादा वो करिएगा, इंकरेज करिएगा, कितनी बढ़िया वीडियो उन्होंने बनाई हुई है। देखिए कितना अच्छा नज़ारा दिख रहा है, पूरा मतलब एरिया का जो भी घर वगैरह सब है, सब दिख रहे हैं, बसें वगैरह, गाड़ी, रोड, सब दिख रहा है, और बहुत अच्छा लग रहा था। और ये देखिए, एक ट्रॉली और इधर से जा रही है, तो इसी टाइप की ट्रॉली में जो है हमारे पति देव भी बैठे हुए हैं। इतना अद्भुत नज़ारा है फ्रेंड्स, माता रानी का दर्शन करने जा रहे हैं सब लोग। बहुत भाग्य से मिलता है जब माँ का बुलावा आता है ना, तभी। और इधर साइड में पूरे पहाड़ ही पहाड़ हैं, देख सकते हो आप, इधर साइड तो और भी सुंदर है यार, जहाँ पर पहाड़े पहाड़ हैं तो वो एरिया तो और भी सुंदर है। तो चलिए वीडियो एंजॉय करिए ट्रॉली से पहुंचने तक का, इसके बाद आगे बताती हूँ।
और हाँ फ्रेंड्स, एक बात और मैं बता देती हूँ कि बड़ी सौभाग्य की बात होती है कि अगर आप दूर बैठे भी माँ तारानी के मंदिर का, उनके स्थान का दर्शन कर लो, ये भी बहुत बड़ा पुण्य का होता है फ्रेंड्स। अगर अब बहुत लोग जा नहीं पाते हैं, लेकिन बहुत लोग जो है वीडियो के थ्रू ही दर्शन कर लेते हैं, अपनी मन्नत मांग लेते हैं, अपनी मुरादों को मांग लेते हैं माँ से, तो उससे भी माता रानी जो है सुनती हैं। ऐसी बात नहीं, दूर बैठे भी माँ सुनती हैं, बस दिल में श्रद्धा और दिल में जो है भक्ति की भावना होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो है आप लोग भी माँ से जो भी मनाना चाहते हो, कहना चाहते हो, कह दीजिए, माँ सबकी ज़रूर सुनेंगी, भोली होती हैं क्योंकि माँ। तो चलिए, हम लोग तो चल ही रहे हैं, मैं चल रही हूँ आप लोगों के साथ, क्योंकि मैं भी नहीं गई थी अपने पति देव के साथ, थोड़ा इन लोग को थोड़ा काम था, इसलिए ज़रूरी काम से ही लोग गए हुए थे और मैं नहीं गई थी, इसीलिए जाऊँगी ज़रूर। आप लोग का कृपा रहा और भगवान की कृपा रही, माँ की कृपा रही, तो ज़रूर जाऊँगी। तो ये देखिए पहाड़ का एरिया है और अभी हमारे पति देव जो है चल ही रहे हैं ट्रॉली से, तो बढ़िया उन्होंने वीडियो बनाया है दूसरे साइड का, फिर पहाड़ों का, जिधर से पहाड़ है खूब बढ़िया बेहतरीन नज़ारा है। तो चलिए पहुंच के मिलते हैं वहाँ पे। हाँ तो फ्रेंड्स, फाइनली हमारे पति देव जी जो हैं पहुँच चुके हैं अपनी डेस्टिनी, तो बस उतर रहे हैं ट्रॉली से, सब लोग उतर रहे हैं और उन्होंने प्रसाद जो है कितने अच्छे से पकड़ा है ना, और लिखा था दर्शन का मार्ग, है ना फ्रेंड्स। तो फिर आप लोग ने भी देखा होगा बड़ा बड़ा लिखा था, तो देखिए जा रहे हैं और इन्होंने कितना अच्छा वीडियो बनाया है जाने का, तो इधर से रास्ता पूरा बना दिखाया है इन्होंने जाने का, कितना अच्छा, पहले से बहुत कुछ बदल गया है फ्रेंड्स। पहले ऐसा नहीं था जब मैं आई थी, मैं बहुत छोटी थी जब आई थी, आप लोग को बता दूं 12-13 साल की रही होगी जब मैं आई थी, और मेरी फ्रेंड का भी कॉल आ रहा है, लेकिन मैं अभी से मैं एडिटिंग कर रही हूँ तो बोल भी नहीं सकती कुछ उसे। तो यहाँ पे जो है ये सीढ़ी लगी हुई है, एक तरफ से जाने की होगी, एक तरफ से आने की होगी, दो साइड से सीढ़ी जो है लगी हुई है, तो इधर से जाने का है, उधर से जो है हमारे पति देव जी जा रहे हैं, और कितना अच्छा लग रहा है, मुझे तो देख के ही अच्छा लग रहा है कि मैं भी पहुंच जाऊं वहाँ पे जल्द, अगर कुछ हो जाए मतलब मन्नत पूरी हो जाए तो पहुँच ही जाऊँ। आप लोग माँ से कहना कि मेरी मुरादें भी पूरी कर दें, मेरी भी इच्छाएँ पूरी कर दें, क्यों मुझे जो है महरूम रखा है सारी खुशियों से भगवान ने, माँ ने, प्लीज़ आप लोग उनसे कहिएगा। तो ये देखिए हमारे पति देव जो है मंदिर की सीढ़ी तक जो है फ्रेंड्स पहुंच चुके हैं। अब इसके अंदर जो है अभी गेट बंद है, जाने का मतलब वीडियो बनाने का नहीं अलाउ है फ्रेंड, तो इसके अंदर का वो नहीं बनाएंगे, आगे कुछ फोटो क्लिप शेयर करूंगी जो उन्होंने क्लिक की। फ्रेंड्स, हमारे छत पे भी गणतंत्र दिवस का झंडा जो है फहराया गया है, तो आप सबको हैप्पी रिपब्लिक डे। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो चाहे जितना जोर लग। तो फ्रेंड्स, आई थिंक आप लोग को ब्लॉग जरूर पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक करना, न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा, ठीक है। तो चलिए कल का क्वेश्चन जो मैंने पूछा था उसका आंसर दे देती हूँ। तो कल का क्वेश्चन पूछा था कि मैंने अपने
नेल्स पे किस कलर की नेल पेंट लगाई है पूरे ब्लॉग में, तो आप लोगों से बहुत लोगों ने सही जवाब दिया। बहुत लोग कंफ्यूज थे कि ब्लू है ग्रीन है क्या है, बहुत लोग कंफ्यूज थे, लेकिन जो सही जवाब है वो है ब्लैक। मैंने ब्लैक कलर की नेल पेंट अपने नेल्स पे लगाई हुई है। तो सबसे तेज़ जवाब दिया है पल्लवी जी ने, इनका मैं स्क्रीन शॉट यहाँ लगा रही हूँ। तो फ्रेंड्स जल्दी से रेडी हो जाइए आज का सवाल का जवाब देने के लिए। तो आज का सवाल ये है फ्रेंड्स, जो मेरे पतिदेव के साथ अंकल जी थे उन्होंने किस कलर के गमछे अपने सर पे बांधे हुए हैं, उस कलर को आप लोग को डिस्क्राइब करना है। तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए। और इसी के साथ करती हूँ ब्लॉग का एंड, मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में। तो बाय, टाटा, टेक केयर।